अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम एक चम्मच ऑयल लेंगे और उसमें हम प्याज एक सर मैंने काट कर शामिल करेंगे। अब प्याज को अच्छी तरह हम भूनेंगे। जब प्याज भून जाएगा तो इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और एक चिकन क्यूब शामिल करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह भून कर ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो एक दरमियानी टमाटर उसको काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे। डिपेंड करता है आप टमाटर शामिल करना चाहें या ना करना चाहें। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं टमाटर ऐड करती हूँ। लौंग, बादयान का फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा और लाल मिर्च, और नमक हंसने जाएगा। मसाले को हम इस वक्त साथ भूनेंगे और नमक हम बाद में शामिल करेंगे। चावल हमने पहले से ही भिगो कर रख दिए थे। तो ये मेरे 2 बड़े कप पानी के हैं, क्योंकि मैंने चावल काफ़ी देर से भिगो कर रखे हुए थे तो इसलिए मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं थी। आप अपने हिसाब से, अगर आप कम वक्त के लिए भिगो रहे हैं तो उस हिसाब से जो है आप पानी शामिल कीजिएगा। जब पानी को बॉईल आ जाए भिगोए हुए चावलों से अच्छी तरह पानी निकाल कर हम इनमें शामिल कर देंगे। और एक दफ़ा बस चम्मच चला कर तो 3 हरी मिर्चें डाल कर रख देंगे। और अब आप देख रहे हैं कि पानी जो है ऑलमोस्ट खुश्क कर गया। और अब आप चावल को चेक कर लिया, हमारे चावल एक कनी रह गए। सो हमारे चावल जो है दम के लिए रेडी हैं। हमने चूल्हे पर तवा रखा और ढक्कन के ऊपर एक कपड़ा सा लपेट दिया और उसको दम पर लगा दिया। और इसकी आंच को हल्का कर दिया। ये 5 मिनट के बाद हमारे चावल रेडी हो गए थे। और खाना पकाते हुए सफाई का ज़रूर ख्याल रखिएगा। ले, हमारे चावल रेडी हैं और साथ हमारी रोटी भी रेडी है। और चावल हम डिश आउट करते हैं। खाएं और मुझे भी बताएं कि आपको कैसे लगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब